हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और पिछले वीडियो में हमने 10 मोनोपोली स्टॉक्स देखे थे जो अपने आप में एक अमेजिंग बैरियर्स टू एंट्री लेके बैठे हुए हैं। पर आज हम रिमेनिंग 10 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जिनमें भी मोनोपोली बिल्कुल अमेजिंग तरीके से प्ले आउट करती है। इसमें हम सबसे पहले रीजन समझेंगे क्यों इनके पास एक मोनोपोली बिजनेस है, क्यों कॉम्पिटिटर्स जो है इनका मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकते, और क्या खास बात है इनके अंदर कि वो लगातार जो है ईयर ऑन ईयर ये अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं और मार्केट ग्रैब कर पा रहे हैं। तो ये डिटेल लेवल पे समझेंगे। और ये जो मोनोपोली बिजनेस होते हैं ना, ये एक साल, दो साल, पांच साल के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करने का सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज है उन्होंने डेकेड आफ्टर डेकेड काफी कुछ सही किया है जिसकी वजह से इनका मोनोपोली इस तरीके का बना हुआ है। तो इसको हम डिटेल लेवल पे समझेंगे। और वहीं अगर मैं अगली कंपनी की बात करूं तो बाटा अगेन जो है एक वेरिएबल ब्रांड है, फुटवेयर ब्रांड है, और बच्चों से लेकर बूढ़े हर के लिए इन लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मैं अगर बात करूं तो बाटा जो है ये खुद जो है फॉर्मल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जूते बनाती है या इवन शूज बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, ऑफिस के लिए शूज बनाती है। और वहीं बबल कमर जो है चिल्ड्रेन वेरिएबल ब्रांड है, और उसके बाद कैट जो है ये आदमी के लिए मोस्टली ये बेसिकली बूट्स टाइप की चीजें बनाती है। और वहीं वुमन के लिए नेचुरलाइजर और मैरी क्लेरी ये जो है वुमन के लिए फुटवेयर बनाती है। और वहीं कंफर्ट और नॉर्थ स्टार ये जो है कैजुअल ब्रांड्स है। और बच्चों के लिए इन लोगों ने कार्टून के लिए डिज्नी ब्रांड लाया है, और स्पोर्ट्स के अंदर पावर ब्रांड है। फ्लोटर्स की बात करें तो वेबरेनर और शोल जो है ये फ्लोटर ब्रांड्स है, स्पेशली जिन लोगों के पांव में तकलीफ रहती है या फ्लोटर्स लेना पसंद करते हैं उनके लिए ये ब्रांड्स बनाए हैं इन लोगों ने। फुटिंग जो है ये बेसिकली स्टाइल कॉन्शियस और थोड़े फंकी लुक के हिसाब से शूज और फुटवेयर बनाती है। और वही हश पपीज की बात करें कैजुअल ब्रांड है। तो इस तरीके से कंपनी जो है चाहे बच्चों की बात करें, वुमेन की बात करें, मेन की बात करें, हेल्थ कॉन्शियस की बात करें, सब तरीके के लोगों के लिए इन लोगों ने फुटवेयर बना रखा है। और वही जस्ट टू गिव यू एग्जांपल एंड जस्ट टू गिव यू नंबर्स, 35,000 डीलर्स है इनके पास, और वही 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट पे ये ऑपरेट करते हैं। 50 मिलियन फुटवेयर सेल होते हैं एवरी ईयर। जस्ट गिव्स यू वॉल्यूम की किस तरीके का नेटवर्क है, किस तरीके की सेल्स है। और वहीं मैं अगर कुछ और चीजों की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी जो है लगातार अपने ब्रांडिंग पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे काफी स्पेंड करती है, और जो भी लोग, जो भी बड़े सेलिब्रिटीज ट्रेंडिंग में रहते हैं उनको लाती है इमीडिएटली। चाहे वो करेंटली मैं बात करूं तो कृति सेनन और कार्तिक आर्यन जैसे सेलिब्रिटीज को इन लोगों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लाया है। तो इस तरीके से कंपनी जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव भी बनाती है, नए नए डिजाइन लाती है, और उसके साथ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करती है। अगली कंपनी की बात करूं तो आयशर मोटर्स। तो आयशर मोटर्स जो है एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है, चाहे वो बुलेट की बात करें या ट्रक की बात करें, दोनों जगह इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इन 250 टू 750 सीसी के अंदर मोर देन 90% का मार्केट शेयर है। और वहीं अगर मैं लाइट टू मीडियम ड्यूटी की बात करें तो उसके अंदर 32% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। तो ये जो है बताती है कंपनी के पास किस तरीके का मार्केट शेयर है, किस तरीके की मोनोपोली है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की जो बात होती है तो रॉयल एनफील्ड के अंदर इसके मोर देन 2000 स्टूडियो स्टोर्स है, डीलर स्टोर्स है, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव टाइप के शोरूम्स होते हैं, एंड 750 प्लस जो है रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस वर्ल्ड है। तो दिस गिव्स यू आइडिया किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और जो रॉयल फील्ड है वो सेल होती है नॉट एज अ व्हीकल, जो एक मिडिल क्लास टू व्हीलर व्हीकल होती है उस तरीके से सेल नहीं होती। इसको बेसिकली एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पे कस्टमर को ये फील कराया जाता है, इवन शोरूम के अंदर भी जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके का होता है कि आप जो है अपने अपने लेजेंड है, आप अपने अपने कुछ अचीव कर चुके हो और आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हो बाय बाइंग दिस बुलेट। तो ये जो है ये बताता है किस तरीके से प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये इन लोगों ने अपने आप को फोकस किया है। तो इस तरीके से आयशर मोटर्स जो है अपने स्पेशली बुलेट की बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। अगली कंपनी की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज जो है इसके पास दो ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसको ये इंडिया में सेल करती है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, पहला तो जॉकी है। यहाँ पे पहले हम नंबर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज जो है 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट पे ऑपरेट करती है, 3900 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑलमोस्ट 3000 सिटीज पे ये ऑपरेट करती है, 930 प्लस एक्सक्लूसिव शोरूम्स है। और वहीं रिटेल नेटवर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट 78,000 रिटेल नेटवर्क पे ये सेल होता है। तो दिस गिव्स यू आइडिया किस तरीके का वॉल्यूम है, किस तरीके के रीच है कंपनी की। और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका ऐसे बनता नहीं है, अगर आपके ब्रांड स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनते नहीं है। कंपनी के पास जैसे मैंने कहा कि जॉकी और स्पीडो ये दो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, और जहां पे जॉकी की बात करूं तो ये बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, कतार, मालदीव, भूटान, ये सब जगह ऑपरेट करती है। बेसिकली जो जॉकी इंटरनेशनल ब्रांड है उसके इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर का जो रेवेन्यू है वो पेज इंडस्ट्रीज को जाता है। वही स्पीडो की बात करें तो ये इंडिया के अंदर डील करती है। तो मैं सबसे पहले स्पीडो की बात करूं तो स्पीडो जो है ये स्पोर्ट्स ब्रांड है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, स्विम एक्टिव हो, स्विमवेयर हो, फुटवेयर हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है। बेसिकली ये डीकैथलन जैसी कंपनी का कॉम्पिटिटर होता है। और वहीं जॉकी की बात करें तो जॉकी जो है ये मेन के लिए अंडरगारमेंट्स हो, वुमन के लिए अंडरगारमेंट्स, बच्चों के लिए सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाता है, चाहे बच्चों की जूनियर्स की बात करें। और वहीं आउटफिट्स भी इन लोगों ने रिसेंटली बनाने लगे हैं, चाहे वो जैकेट्स की बात करें, टी शर्ट्स की बात करें, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने लगा है, कैप, सॉक्स,
थर्मल वेयर बनाने लगा है और वही टॉवल्स, और पैंडेमिक के दौरान तो इन लोगों ने इवन फेस मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी जो है लगातार इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रही है, और इन लोगों ने रिसेंटली आउटवेयर के अंदर जो फॉर्मल कैटेगरी है उसके अंदर रिसेंटली इन लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट्स भी लाए हैं। और वहीं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इन लोगों ने अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल स्टोर्स, एक तो इन लोगों ने लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स लाए हैं, चाहे वो ब्रांड्स की बात करें तो लाइफस्टाइल है, मैक्स है, या वॉलमार्ट है, या इवन मेट्रो स्पेंसर जैसे ब्रांड्स है। और वहीं ऑनलाइन के अंदर इन लोगों ने टाई अप कर रखा है Amazon, Flipkart, Myntra जैसे साइट्स के साथ। तो दिखता है कि कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस बोथ फिजिकल शोरूम्स एंड अक्रॉस ऑनलाइन है। अगली कंपनी की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर, तो गोदरेज कंज्यूमर जो है मुझे काफी खास लगता है, और उसका प्राइमरी रीजन है कि FMCG के अंदर, चाहे वो बात करें रेकिट बैंकाइजर की या फिर यूनिलीवर की बात करें, नेस्ले की बात करें, इन सब कंपनीज जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनीज है, जबकि इंडिया की होम ग्रोन ब्रांड जो है वो गोदरेज कंज्यूमर है। आप कहोगे कि इवन जो मैरिको है या फिर डाबर है वो भी होम ग्रोन है, बट उनके जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली यूनिलीवर और इवन नेस्ले जैसी कंपनीज या इवन रेकिट बैंकाइजर जैसी कंपनीज को कम्पीट नहीं करता, जबकि गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली यूनिलीवर और रिकेट गैजर जैसी कंपनीज को कंपीट भी करता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो चाहे वो इजी हो या फिर हिट हो या गुड नाइट हो या गुड नाइट हेयर कलर हो या फिर एयर हो, सिंथॉल है, या फिर इन लोगों ने काफी सारे रिसेंटली नए प्रोडक्ट्स जो गोदरेज प्रोटेक्ट के नाम से लाए हैं। तो इस तरीके के लगातार इन लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट्स लाए हैं, और इनका जो बेसिकली मार्केट है, तीन मेजर मार्केट्स है इनका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका, ये तीन मार्केट्स है। इसके अलावा इन लोगों ने रिसेंटली अर्जेंटीना के अंदर भी इन लोगों ने एक अच्छा खासा प्रेजेंस बना लिया है। एंड जस्ट टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट नंबर्स, एक तो इनका अफ्रीका का बिजनेस जो है, जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे बताया था, वहां पे काफी सारा इन लोगों ने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है। इसके अलावा इंडिया के अंदर 6 मिलियन आउटलेट्स भी ऑपरेट करते हैं और ओवर 1.6 लाख आउटलेट्स है इनके इंडोनेशिया के अंदर। तो दिस गिव्स यू आइडिया कि ये अफ्रीका की बात करें, इंडिया या इवन इंडोनेशिया, तीनों के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और वहीं अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो इंडिया के अंदर हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड, हेयर कलर, एयर फ्रेशनर, सूप और लिक्विड डिटर्जेंट, इन सब के अंदर ये या तो नंबर वन है या नंबर टू। और वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो एयर फ्रेशनर, वेट वाइप्स और इंसेक्टिसाइड, ये तीनों के अंदर ये नंबर वन है। और वहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बात करूं तो हेयर कलर और हेयर एक्सटेंशन के अंदर ये नंबर वन है। और वहीं अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका के अंदर मैं बात करूं तो हेयर कलर्स या हेयर स्प्रे या हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर ये नंबर वन या फिर नंबर टू है। और वहीं मैं ब्रांड्स की बात करूं जो नंबर वन नंबर टू पे है, तो यहाँ पे आप कन्वर्सेंट हो गए गुड नाइट या गुड ड्राइव, एक्सपर्ट या हिट, या फिर इवन मैं बात करूं तो इवन सिंथॉल, गोदरेज, नंबर वन, इस तरीके के ब्रांड के साथ आप कन्वर्सेंट हो गए, इजी के साथ आप कन्वर्सेंट हो गए। लेकिन काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली इंडोनेशिया अफ्रीका में सेल होते हैं, जैसे कि डार्लिंग है या फिर इन्फेक्टो है, सैनिटर है, रॉबी है, इशू है, और इसके अलावा ब्लंट है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है काफी ज्यादा सेल होते हैं वहां पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली इन लोगों ने अपनी कंपनी का MD भी चेंज किया था, जस्ट टू मेक श्योर की कंपनी जो है अफ्रीका के अंदर टर्न अराउंड कर पाए। अगली कंपनी की बात करो तो मैरिको, तो मैरिको जैसे मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम गोदरेज एक अनदर होम ग्रोन ब्रांड है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मोस्टली हेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो हेयर ऑयल हो या हेयर सेटवेट है या फिर सीरम के लिए लिवॉन है या पैराशूट कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा ये इवन फ्रूट के अंदर बात करें तो सफोला ब्रांड के अंदर ये ऑयल लाते हैं, और ओट्स भी इन लोगों ने रिसेंटली लाया था कुछ साल पहले। तो ये जो है इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, और इनमें ज्यादातर में ये एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो 1 in 10 कोकोनट्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं वो मैरिको बाई करती है, मैरिको यूज करती है। मोर देन 15 करोड़ प्लस पैकेजेस इसके एवरी ईयर सेल होते हैं। और वहीं जो पैराशूट की बात करें तो ये लार्जेस्ट कोकोनट ऑयल ब्रांड है। That gives you idea किस तरीके का इनका रीच है, किस तरीके का इनका मार्केट शेयर है। और इंडिया के अंदर 126 मिलियन इंडियन हाउसहोल्ड्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स एवरी ईयर यूज होते हैं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इंडिया का शायद ही कोई घर होगा जहां पे मैरिको के प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते होंगे। तो दैट गिव्स यू आइडिया किस तरीके की इनका रीच है। और वहीं मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि बेसिकली ये ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, इसके अलावा इसके हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। तो प्राइमरली ये जो है मेन कैटेगरीज है इनके बिजनेस की। अगली कंपनी की बात करो तो इन्फोएज, तो इन्फोएज जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, और उसका प्राइमरी रीजन है कि अगर आप स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहते हो तो इन्फोएज इज बेसिकली द कंपनी दैट यू शुड लुक फॉर। इनके बेसिकली तीन बिजनेस है, एक तो इनका कोर बिजनेस है जो बेसिकली नौकरी है, नौकरी के अलावा इन लोगों ने काफी सारे एक्विजिशन भी किए थे, क्वार्टर एंगल हो या फिर आई एम जॉब, जो इस तरीके से इन लोगों ने एक्विजिशन भी किए थे। और इसके अलावा इसकी 99 एकर, जीवन साथी, शिक्षा, ऑल चेक डील्स, ये जो है इनकी बेसिकली अदर कंपनीज है जिनसे इनकी रेवेन्यू आती है। और वहीं अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करूं तो 99 एकर की बात करूं तो मोर देन 40% का जो ट्रैफिक है, ऑनलाइन ट्रैफिक रियल स्टेट स्पेस के अंदर, वो 99 एकर के अंदर आता है। वहीं जीवन साथी की बात करूं तो नंबर टू पोजिशन पर बैठा हुआ, विद ऑलमोस्ट 32% का मार्केट शेयर। तो इस तरीके की रीच है, ऑनलाइन प्रेजेंस है इनकी। और वहीं मैं अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो जहां पे इन लोगों ने निवेश कर रखा है तो प्रिंटो है, जोमेटो,
अड्डा 24/7 है या फिर हैप्पीली अनमैरिड उस तरह है, पॉलिसी बाजार है, कोडिंग निंजास है, इस तरीके से इनके काफी सारे स्टार्टअप्स के अंदर निवेश है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, वो तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज की मैंने बात की थी, ये जो है ये पूरी एंटायर लिस्ट के अंदर इन लोगों ने कितना कितना निवेश कर रखा है, ये पूरी डिटेल आप चाहो तो ये देख सकते हो। और वहीं कुछ और साइट की बात करो तो एम्बिशन बॉक्स है, बिग शिफ्ट है, iimjobs.com, hirist.com, तो इस तरीके की इन लोगों ने रिसेंट काफी सारे एक्विजिशंस भी किए थे जस्ट टू मेक श्योर कि रिक्रूटमेंट के अंदर ये नंबर वन स्पेस पे रहे। और वही मैं अगली कंपनी की बात करूं तो डिविज लैब, तो डिविज लैब का मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, आप चाहो तो वो देख सकते हो। एंड जस्ट टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट नंबर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 30 APIs के अंदर ये कमर्शियली काम करते हैं और वर्ल्ड के अंदर टॉप 2 API मैन्युफैक्चरर्स के अंदर ये आते हैं। 18 आउट ऑफ 30 ऑफ द बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो कस्टम सिंथेसिस के लिए 6 आउट ऑफ 10 लार्जेस्ट कंपनीज, चाहे वो US हो, यूरोप, उसके अंदर जो है ये इनके क्लाइंट्स है। तो दैट गिव्स यू आइडिया कि किस तरीके की इनकी क्वालिटी है, किस तरीके का इनका कैपेबिलिटी है और किस तरीके की इनकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टाइज है। तो ये बताता है आपको किस तरीके की मोनोपोली है। और अगर मैं बात करूं तो इनकी सबसे खास बात यह है कि ये प्योर API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये फॉर्मुलेशन नहीं बनाते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इनको API के अंदर इतना बिजनेस भी मिलता है। और भाई मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 52% के API बनाते हैं, 41% कस्टम सिंथेसिस है। तो ये कस्टम सिंथेसिस आप ये मान सकते हो कि बेसिकली जो दवाइयां R&D फेज में रहती है उनके लिए जो API मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये करते हैं कस्टम सिंथेसिस के अंदर। तो ऑलमोस्ट 93% का इनकी रेवेन्यू जो है वो कस्टम सिंथेसिस या फिर API से ही आती है और वही मात्र 7% का बिजनेस जो इनका न्यूट्रिसिटिकल से आता है। तो न्यूट्रिसिटिकल बेसिकली जो आपके फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो होते हैं और यहाँ पे ये प्योर B2B प्लेयर है। अगली कंपनी की बात करूं तो CDSL, तो CDSL के अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली आपके शेयर्स जो होते हैं डीमैट फॉर्म में इधर CDSL या फिर NSDL, ये दो कंपनीज में से एक के पास रहते हैं। और CDSL की बात करें तो ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, 3 crore+ डीमैट अकाउंट्स जो है CDSL के पास है, दैट गिव्स यू आइडिया किस तरीके का नेटवर्क है। और वहीं मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस करूं तो NSDL के साथ, तो NSDL जो है काफी पुरानी कंपनी है कंपेयर टू CDSL, और करेंटली मैं बात करूं तो NSDL के पास 2.05 crore डीमैट अकाउंट्स है, वहीं CDSL की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 crore+ डीमैट अकाउंट्स है। डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स यानी कितने आपके साथ ब्रोकर्स टाई अप है, तो 599+ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है CDSL के बाद, और वहीं NSDL की बात करें तो मात्र 280 डीमैट पार्टिसिपेंट्स है और वहीं 280 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। तो इसका प्राइमरी रीजन है कि CDSL के पास टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये काफी स्ट्रॉन्ग है कम्पेयर टू NSDL। एंड जस्ट टू गिव यू आइडिया, ये 2005 में ऑलमोस्ट 10 lakh डीमैट अकाउंट्स थे, वो लगातार इंक्रीज होते हुए करंटली 3 crore+ डीमैट अकाउंट्स है। एंड वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं मार्केट शेयर के अंदर तो CDSL के पास ऑलमोस्ट 60% का मार्केट शेयर है और NSDL के पास 41% का मार्केट शेयर है। और लास्ट कुछ साल की डेटा आप देखो तो लगातार CDSL जो है मार्केट गेन करती जा रही है फ्रॉम NSDL। और CDSL का मैंने एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। और वहीं मैं अगर अगली कंपनी की बात करूं तो वरुण बेवरेज, तो वो बेसिकली एक बेवरेज के अंदर एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो जाती है और ये पेप्सिको का इंडिया का लाइसेंस लेके बैठी हुई है। मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इनके ही प्रोडक्ट सेल होते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो की बात करें तो पहला कैटेगरी की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इनके जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आइस है, नींबूज है, मिरिंडा 7 अप, पेप्सी है या फिर माउंटेन ड्यू, इस तरीके के प्रोडक्ट्स है। और वहीं मैं अगर अगले कैटेगरीज की बात करूं तो अगले कैटेगरीज के अंदर एक तो एनर्जी ड्रिंक हो जाती है जहां पे इनके प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ टेम्परेचर फोकस्ड बेवरेजेस भी बनाए हैं और इसके अलावा इनके फ्रूट जूसेस भी है, ट्रॉपिकाना नाम से आते हैं। और वहीं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करो तो पहला तो ये कि अक्रॉस वर्ल्ड ये सेकंड लार्जेस्ट पेप्सिको का जो लाइसेंस है, सेकंड लार्जेस्ट लाइसेंस लेके ये बैठे हुए आउटसाइड US, और करेंटली ये इंडिया के अलावा कुछ अदर कंट्रीज में भी सर्व करते हैं। नंबर्स वाइज देखें तो 2 million रिटेल आउटलेट्स है, 37 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, 425 million केसेस सेल करते हैं एवरी ईयर, और 10,000+ एम्प्लॉयज हैं इन कंपनी के। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो 1,500+ डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास, तो दैट गिव्स यू आइडिया किस तरीके की वॉल्यूम है, किस तरीके की रीच है कंपनी की। और वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अंदर मेजर स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक कश्मीर और एक और स्टेट है, उसके अलावा ये मोस्टली इंडिया में सर्व करते हैं। इसके अलावा ये जो है नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी जो रेवेन्यू आती है ये बेसिकली वरुण बेवरेज को ही जाती है। अगली कंपनी की बात करें तो जुबिलेंट फूड, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है ये बेसिकली अगेन सिमिलर टू वरुण बेवरेज जो है ये बेसिकली इंडिया के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज के लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, डोमिनोज पिज्जा का एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, इसके अलावा डंकिन डोनट्स जो है इसका भी इन लोगों ने लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, और रिसेंटली इन लोगों ने हॉन्ग्स किचन है या फिर शेफ बॉस है, एकदम है, पॉपाइज है, इनके भी इन लोगों ने फ्रेंचाइजी या एक्सक्लूसिव राइट लिया है इंडिया के अंदर। तो बेसिकली जिस तरीके से लोग जो है पहले तो सिर्फ पिज्जा के लिए या बर्गर्स के लिए क्रेजी रहते थे, बट आज के समय बात करूं तो
स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद जो है नॉट जस्ट पिज्जा एंड बर्गर, इन लोगों ने पास्ता या फिर नूडल्स इस तरीके के प्रोडक्ट्स में भी लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है इस तरीके टाई अप लेके जो है ये मेक श्योर किया कि चाहे लोग जो है पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं या नूडल्स और पास्ता खाएं, इनके प्रोडक्ट्स जो है लगातार सेल होते रहे और इनको एक अच्छी खासी रेवेन्यू आती रहे। और यहाँ पे ये जो बाकी कैटेगरीज है जहाँ पे इन लोगों ने रिसेंटली अपना बिजनेस लॉन्च किया, चाहे वो पॉपाइज हो, एकदम हो, शेफबॉस हो, होम्स किचन हो, यहाँ पे भी ये लगातार फोकस कर रहे हैं अपना बिजनेस को बढ़ाने का। और ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इनकी मोनोपोली बनती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1300 प्लस रेस्टोरेंट्स पे इनका टाई अप है इन ऑलमोस्ट 300 सिटीज। तो ये प्राइमरी डिफरेंस आ जाता है जब आप कंपनीज जो है इस तरीके के नेटवर्क लेके बैठी हुई हो, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, तो आपको प्रोडक्ट सेल करने में एक ईज हो जाता है। और आपके नए नए ब्रांड्स भी आप लॉन्च करते हो इन इंडिया तो आपको सेल करने में ईजी होता है। और वही मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूँ तो यूजुअली ज्यादातर अदर ब्रांड्स जो है वो एक्सक्लूसिवली स्विगी या जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, बट इनका खुद का भी ऐप है जहाँ पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है इनको अपने खुद के ऐप से आता है। तो इनकी डिपेंडेबिलिटी जो बेसिकली स्विगी और जोमेटो पे काफी कम है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या कोई टॉपिक आप चाहते हो हम अपने चैनल पर कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आने वाले सीरीज में मैं उसे कवर कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।